देखेंगे। अत्यार ठीक अत्यार प्रयास है ठीक प्रजल्प नियमा जनसंघ नियमाग्रह और लल्यम, ये बाधक तत्व हो गए। और साधक तत्व ज्ञान उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान और निश्चय और जनसंघ परित्याग। ठीक है। चल बहुत बढ़िया। तो ऐसे अपने अपने को याद करना है साधक बाधक तत्व। तो फिर हमने आसन देखा था, टोटल कितने आसन है मीनाक्षी त्यागी जी बताओ, सबका नंबर आएगा आएगा, डोंट वरी। मीनाक्षी त्यागी बहुत बढ़िया टाइप भी कर रहे हो। देखो आपको ना मैं रटवा दूंगा हट पर्दी का आपको, और आगे वाले जो हट योगी ग्रंथ है उसमें और आपको मजा आएगा। चलिए बताइए मीनाक्षी त्यागी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ साक्षी जी बताइए, साक्षी वन वीडियो सर ऑन करके 15 आसन है, बताना। हाँ सर बताइए 15 आसन है। नाम सर बताइए। स्वस्तिकासन, गौमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येन्द्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन और सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और वज्रासन, भद्रासन, 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 सॉरी भद्रासन। ठीक है ये चीजें ध्यान रखना है मूल चीजें। ठीक है फिर अन्य नाम हमने देखा था, किसके तीन अन्य नाम हमने देखे थे प्रियंका कुशवाहा जी बताइए। सिद्धासन की। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। उस अन्य नाम क्या है बताओ। सिद्धासन के थे वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। बहुत बढ़िया ठीक है। हिमांशु आप बताओ कि एक आसन था जिसका अन्य नाम गोरक्षासन था, वो कौन सा था हिमांशु। सर भद्रासन। ठीक है बहुत बढ़िया भद्रासन गुड। तो ऐसे आपको याद करनी है। फिर आप क्या प्रो मिताहार, हमने डाइट देखा था कि मिताहार किसको कहते हैं। ठीक है प्रियंका कोटनाला जी आप बताइए किसको कहते हैं मिताहार। सर मिताहार में हमारे जो हम खाना खाते हैं वो हमें एक चौथाई भाग में खाना चाहिए और शिव को अर्पित होना चाहिए और सुमधुर होना चाहिए। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा था पथ्य और अपथ्य आहार देखा। ठीक है पथ्य आहार क्या क्या है, जया चौधरी चौरे जी बताइए। यस सर। सर पथ्य आहार हमने देखा था कि सर एक सेकंड मुझे याद करना है। देख के बताओ, सर मैं ये नहीं मानता हूं, आप देख के बता दो कोई बात नहीं, बताओ बताना है। यस सर मैं पथ्य आहार है सर। सर गेहूं चावल जौ साठी चावल जैसे सुपाच्य अन्न, दूध घी खांड मक्खन मिश्री मधु सौठ परवल जैसे फल, और जो 5 प्रकार की भाजी बताई थी जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा, और मूंग आदि और वर्षा का जल, ये पथ्य आहार बताया सर। अपथ्य आहार बताइएगा। देखो आप बार बार आप इसको रिवाइज करो याद हो जाएगा, सब लोग यहाँ जितने भी है ना आप देखो बार बार नोट्स, नोट्स में कभी भी चेक कर सकता हूँ। संतोषी वर्मा जी आप बताइए अपथ्य आहार। संतोषी वर्मा, संतोषी वर्मा कटु अम्ल तिक्त लवणोष्ण हरित वीडियो ऑन करके। साफ। जी सर। कटु अम्ल तिक्त तिक्त लवणोष्ण हरित साक सौवीर तेल तिल सरसप मद मस्यान आजादी मास। जादी मांस किसको कहते हैं। बकरी का मांस। ठीक है ठीक है तो पूरा याद होना चाहिए। ठीक जी है सर भूल गई थी। फिर जी सर। याद कर देख लेना क्या है। ठीक है इसके बाद किसको सिद्धि मिलेगी, ये था हमने देखा था अदिति गर्ग।
अदिति कर, बताओ किसको सिद्धि मिलेगी? मेरी आवाज ही जा रही है, चलो बताओ। इच्छा कुंदीर जी, सर ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण एक वर्ष से उस एक या एक वर्ष से अधिक, हाँ जी उसमें सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, मुख्य मुख्य बातें हमने देख ली, और भी सारे चीजें थी इसमें, ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट्स यही थे। फर्स्ट निचोड़ निकलता है, और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं जब टेस्ट लूंगा तो और भी चीजें ऐड करूंगा। अब आता है द्वितीय उपदेश। द्वितीय उपदेश हम देख रहे थे, द्वितीय उपदेश में हमने क्या देखा, मुख्यतः इसका नाम क्या है, प्राणायाम, ठीक है, इस उपदेश का नाम प्राणायाम कुंभक, मुख्यतः हम कुंभक देखेंगे इसमें, उस पे बेस्ड है। लेकिन साथ में हम और क्या क्या देखेंगे, तो पहले तो देखो प्राणायाम करने से पहले हमें क्या करना है, ठीक है, इसके बाद वायु और चित्त का संबंध हमने देखा। अच्छा बताओ कौन बताएगा, सहदेव भाकर जी बताइए, देखते आप कितने, वायु और चित्त का संबंध क्या है, बता दो। नहीं पता है ना, बता दो कि नहीं पता है, फिर दूसरे को मौका दूंगा, ऐसे नहीं चुप रहना है, सर याद नहीं है, नहीं पता है, व्हाटएवर। दीपाली शर्मा जी, यस सर, बताइए वायु और चित्त का संबंध, हमें जवाब देना है वीडियो और माइक ऑन करके, बताइए सर। प्राणवायु अगर निश्चल होती है तो चित्त भी शांत हो जाता है। ठीक है समझ गया। तो ये था, हमने वायु और चित्त का संबंध देखा, फिर प्राण का महत्व देखना है, जैसे कि नारी जो मल जमा हो जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए हम जो है प्राणायाम कुंभक नारी शोधन का अभ्यास करते हैं, उसकी विधि जाना, उसके महत्व को जाना। इसके बाद अगर आप गलत तरीके से अभ्यास करते हैं तो कौन कौन से व्याधि होते हैं वो जाना, ये सारी चीजें हमने जाना। इसमें और भी क्या देखना है, सट कर्म के बारे में जानेंगे हम, ठीक है, प्राणायाम के बारे में जानेंगे, सट कर्म के बारे में भी जानेंगे क्या होता है, और हट सिद्धि के लक्षण को जानेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, अब बताइएगा, देखो नेटवर्क का इश्यू होगा ना, तुरंत बताइएगा, अभी तक तो आई थिंक सब सही है ना, नेटवर्क तुरंत क्या सर, अभी तो ठीक आना है सब सर, अब आप पढ़ाएंगे ना अब हो जाएगा। अरे ऐसे मत अशुभ बातें बोलो, शुभ शुभ बोलो, नहीं सर अच्छा रहेगा, शुभ शुभ बोलो, सपोज ऐसा होता है बताइएगा, मुझे कॉल कर दीजिएगा, नंबर तो है ही, तुरंत कॉल कर। शुरू हो गया सर, आवाज कट कट हो रही है, एक बार पढ़ाने के उसमें रहता हूँ तो मैसेज मिल, तो फिर मैं चेंज कर लूंगा, फिर मैं ऐप से पढ़ाऊंगा, फिर लैपटॉप छोड़ दे, मैं भी ऑफ सर। अरे सर सर अगर जो क्वेश्चन आएगा किसे सिद्धि मिलती है, तो मिताहारी ब्रह्मचार्य का पालन करना त्यागी वगैरह आएगा, और तो युवा वृद्ध अधिक वृद्ध इसके लिए क्या क्वेश्चन होएगा अगर जो आएगा, तो ये अतरे से पूछा कि किनको भी, मतलब किस तरह के साधक ये कह सकते हैं, इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो किसे करना चाहिए सर, क्या तो मतलब मुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी मुझे, किसे करना चाहिए योग तब आएगा ना, युवा वृद्धोति वृद्ध का, देखो ऑप्शन से मैंने क्या बोला, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम ऑप्शन से आंसर देते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन से आंसर ढूंढो, अगर ऑप्शन में देता है वृद्ध युवा इस तरह के ऑप्शन तो वो लगाना है, अगर देता है कि मिताहारी योग परायण, ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन दे देगा तो वैसे देना आंसर, ऑप्शन को देखते हुए आंसर दिया जाता है, ये तरीका होता है, ये चीजें मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, कि कैसे आप क्वेश्चंस को हैंडल कीजिए, निश्चिंत रहिए, समझ में आया,
ऑप्शन के अनुसार आप उसका उत्तर दीजिए। अगर ऑप्शन देगा उस तरीके से, अपन कहाँ थे? हाँ यही थे ना, यहाँ से देखेंगे आगे। तो 16 तक हो गया था, 15 सर हम 17 भी हो गया था सर। अच्छा हाँ सर 18 से हुआ 15 16 भी। अच्छा हाँ ये तो रिकॉर्ड देखते थे हम लोग। ठीक है यहाँ से देखना है अपने को। आवाज जा रही है ना अभी आप लोगों को, बता देना। जी सर आ रही है, आ रही है आवाज जा रही है। जी सर ओके। शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ होगा। अब पॉजिटिव एनर्जी के साथ अभी ये बात सोचना सर संस्कृत नहीं आ रहा है अच्छे से उच्चारण नहीं, मतलब नेट में इसका कोई मतलब नहीं रहता है, मैं आपको सही बताऊं तो। ठीक है अच्छी बात है अच्छे उच्चारण हो तो, आप वीक ही है तो भी चलेगा, आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ आपको भी पता है कि हाँ काम चलाओ हो जाना चाहिए। युक्तम युक्तम तजेत वायु युक्तम युक्तम जब युक्त वृद्ध निया देवम सिद्धि माप पुण्यात। कह रहा है क्या कि साधक को है ना युक्त मतलब का रेचक मतलब बाहर करना है और श्वास को उचित रूप से लेना और छोड़ना है और खाना है, तीनों चीज इनहेलेशन एक्सहेलेशन एंड होल्डिंग चीजें आपको अच्छी तरीके से करेंगे सिद्धि आपको मिलेगी। हाँ जी हेलो आवाज कट रही है सर, आवाज कट कट के आ रही है आपके आवाज में सर। हाँ सर ठीक है मेरे साइड तो ठीक है, कट कट के आ रही है, कट के आ रही है, कट रही है आवाज सबको आ गया क्या? देखो बाकी लोग आप रिकनेक्ट हो जाइए ना, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि किसमें कह रहा है, एक मिनट इसको बैक कहां से आता है कि युक्तम युक्तम तेजेत वायुम युक्तम युक्तम च पूर्येत युक्तम युक्तम च बंधनियात देवम सिद्धि मापनियात। कह रहा है कि उचित रूप से आपको श्वास लेना है और उचित रूप से श्वास बाहर छोड़ना है और क्या है उचित रूप से बंध लगाना है मतलब कि होल्ड करना है। ठीक है तभी जाके सिद्धि आपको मिलेगी। ठीक है आवाज क्लियर है समझ में आया? ठीक है। यदा तू नाड़ी शुद्धि आकांति कह रहा कि जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है तब आपके कट जाते हैं और क्या भी समझ में नहीं आ रहा है सर जी, सर समझ में नहीं आ रहा सर आवाज कट कट के आ रही है, वॉइस ही नहीं आ रही जी सर, अब ब्रेक हो रही है आवाज। चलो कोई नहीं अपने पास प्लान भी है, रुक जाओ डोंट वरी, पहले से तैयार रखा था आज प्लान भी। एक मिनट दीजिए
अब बताइएगा, आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। जी सर। चलो फिर आज दोनों प्लान में रेडी रखा था पहले से। मुझे लगता है टैब से ही ज्यादा सही है पढ़ाना। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? जी सर चल रहा है। देखो यहाँ थे अपन, यह कि यदा तु नारी श्रुति स्यात् तदा चिन्हानि बाहर काशस्य कृष्टा कांति सा जायत निश्चितम। कह रहा है कि जब नारी शुद्ध हो जाता है तब आपके शरीर के अंदर बाह्य जो है लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। और कैसे? जैसे कि शरीर पतला होना, काशस्य कृष्टा, का मतलब शरीर, कृष्टा मतलब पतलापन, कांति असता मतलब शरीर में कांति ओज, ये सब चीजें आने लग जाती है। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से होता है कि जायेत निश्चितम, निश्चित रूप से ही नाड़ी शुद्धि होने के बाद आपके शरीर के अंदर बाह्य चिन्ह प्रकट होने लग जाएगा, शरीर पतला होने लगेगा और कांतिमय होने लगेगा सर। ओके, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि नाड़ी शुद्धि होने के बाद बाह्य चिन्ह क्या प्रकट होने लग जाएगा, है ना? तो ऑप्शन दे देगा, कांति होना, कृष्णता आना, फिर कुंडलिनी जागरण, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन ऐड कर देंगे, चक्रों का फिर और भी ऐड कर देगा, या फिर कह देगा ऑल द अबव, इस तरह से कूट में। इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट 20 नंबर, यथेष्ट धारणम वायु अरण्यस्य प्रदीपनम, ये लाभ बता रहा है। अब देखो यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट है, पहले वाला भी लाभ था, इससे पहले जो था कि बाह्य चिन्ह प्रकट हो रहे हैं वो क्या है, बेनिफिट दिखा रहा है कि आपका शरीर पतला होने लग जाएगा, कांतिमय होने लग जाएगा शरीर, क्या है वो, नाड़ी शोधन के बेनिफिट है। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, यथेष्ट धारणम, जब आप यथापूर्वक नाड़ी शुद्धि होने के बाद जब प्राण वायु को धारण करते हैं तो अनलस, अनल मतलब होता है अग्नि, तो अग्नि प्रदीप्त होने लग जाएगी और क्या, नाद अभिव्यक्ति आरोग्यम, आरोग्यता आएगा और नाद के अभिव्यक्ति सुनाई, मतलब कि नाद का अनुभव होगा, साउंड जिसको कहते हैं। जब आप इसके बारे में डिटेल में चौथे उपदेश में पढ़ेंगे, नादानुसंधान में पढ़ेंगे, ठीक है, कब होगा, नाड़ी शोधन के अभ्यास के बाद, नाड़ी जब निर्मल हो जाएगा तब ये लाभ हो गया, ये ध्यान में आपको रखना है। अब आता है यहाँ सर, एक बार फिर बता दीजिए, जठराग्नि प्रदीप्त होगा, नाद की अभिव्यक्ति होगी, नाद का अनुभव होगा, आरोग्यता आएगी, ये लाभ हो गया, शरीर पतला होगा, कांतिमय होगा, ये लाभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेधा श्लेष्माधिक पूर्व सटकर्माणि समाचरेत। अब हम सटकर्म पे जा रहे हैं, अब हमने नाड़ी शोधन पढ़ लिया है, उसके लक्षण, महत्व, विधि, लाभ, ये सारे चारों चीजें हमने देख ली, नाड़ी शोधन का कब करना चाहिए वो भी हमने देख लिया, किस आसन में करना है। अच्छा, किस आसन में करना है बताओ? पद्मासन। श्लोक में है बद्ध पद्मासन, अगर बद्ध ना भी लिखा रहे, पद्मासन भी लिखा रहे तो भी टिक करके आना है पद्मासन। अब कह रहा है कि सट कर्म किसको करना चाहिए, है ना, कि मेधा श्लेष्मा अधिका पूर्व सट कर्मानी समाचरे, कि जिसको मेद, मोटापा जिसको कहते हैं ना, श्लेष्मा बढ़ गया, मोटापा हो गया है ना, उनको सटकर्म करने के लिए
कहा है स्वामी स्वात्माराम ने। अन्य अस्तु ना चरितानि दोषानां संभावता, किसी अन्य को नहीं, जैसे कि जिसके दोष संभावता मतलब जिसके दोष समान है ना। अरे मेद ये जब बढ़ गया है, श्लेष्मा बढ़ गया है, तो क्या क्या बढ़ा है बताओ, कौन सा दोष बढ़ा है? सर कफ दोष, कफ दोष बढ़ा। तो यूं कहें कि अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया वहां पे, अगर दोष में दे दिया कि वात पित्त कफ और मेद श्लेष्मा अधिक नहीं दिया, तो ध्यान में रखना वहां पे क्या लिख के आओगे, कफ लिख के आओगे। कफ दोष जिसके बढ़ गए उनको सत्कर्म के अभ्यास के लिए कहा गया, मोटापा बढ़ गया। अगर ऑप्शन दे दे कि मेद श्लेष्मा अधिक न देकर कह दे मोटापा पतला दोनों ठीक है और इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, मोटापा न कि दोनों, ठीक है। ये चीजें किसी और को करने के लिए नहीं कहा गया है, किसको, कि जिसके दोष संभावता समान है, वात पित्त कफ जिसके समान है उनको नहीं करने के लिए कहा गया, उनको करने की आवश्यकता नहीं। इंपोर्टेंट। अब कौन कौन से सत्कर्म है, क्या कौन कौन सत्कर्म करना है, धौतर वस्ति अस्तता नेति त्राटकम न नौलकी तथा कपाल भाती चैतानी सत्कर्माणि प्रचलित। सेम है घृण संहिता के जैसा है ना, लेकिन अंतर क्या है, सीक्वेंस का अंतर है। वहां क्या है, धौतिर वस्ती नेति नौली त्राटक क्या क्या कुछ कह रहे हैं, चलो तो वहां झंड संहिता में क्या है, त्राटक आगे है नौली पहले है, यहाँ क्या है नीति त्राटक फिर नौली ऐसा है। वहां क्या था, धौतिर वस्ती नीति नौली त्राटक फिर कपाल भाती, तो सीक्वेंस ध्यान में रखना है, यहाँ सीक्वेंस में फंसाता है एग्जामिनर। तो ये छह जो है सत्कर्म करने के लिए कहा गया है, किसको कहा गया है, छह मेद श्लेष्माधिक व्यक्ति। इससे क्या होगा, कर्म सट कमिदम गोप्यम घट शोधन कारकम विचित्र गुण संधाई पूज्यत पूज्यते योगी पुंगवे। जो योगी है, योगी पुंगवे जो योग के जानकार है ठीक है, वो भी इस विचित्र गुण मतलब ये सकर्म है उनको पूजते हैं, क्यों, क्योंकि ये घट का शोधन करता मतलब शरीर का शोधन करता है, और इसको क्या बोला है, गोपनीय बोला गया है। ये जो सटकर्म है, कर्म सटकर्म एकदम गोप्यम है मतलब गुप्त रखने की बात कही गई है, और आश्चर्य फल देने वाला है, चित्र गुण संधाई, और योगियों के लिए भी ये क्या है, पूजनीय है। यहाँ पे श्लोक मिलता है, कह रहा हूं कि जो सिद्ध योगी है ना, योगी पुंग में मतलब होता है जो श्रेष्ठ योगी है, श्रेष्ठ योगी भी इसको क्या करते हैं, इनको महत्व दिया है, इनको पूजते हैं, ये विचित्र गुण संधाई मतलब आश्चर्यजनक फल देने वाला ये जो है क्या है, घट शोधन, ये जो शरीर के शोधन का जो कारण है ये सटकर्म, इसको गुप्त रखने के लिए भी कहा है इन्होंने। समझ में आया नहीं आया, आ गया सर, नो सर नहीं आया। ये सटकर्म गोपनीय कहा है, जो घट का शोधन करता है और विचित्र गुण देने वाला है, और योगियों के लिए जो सिद्ध योगियों के लिए भी क्या है, पूजनीय है, पूजते हैं इनको, इनको महत्व दिया है उन्होंने। अब धौती, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसमें ना ज्यादातर पूछते हैं इसका साइज क्या होता है धोती का, तो चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंच दशायतम, इससे पिछले बार क्वेश्चन ये पूछा, ग्रुप दिष्ट मार्गेन सिक्तम वस्त्र सनेग्रसे पुनः प्रत्याहारे
चैत उत उद्दितम धौति कर्म तथा तो प्रत्याहारित च एतत उदितम धौति कर्म तथा। अब क्या कह रहा है कि देखो पहले तो आप धौती का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, चार अंगुल विस्तार, चार अंगुल चौड़ा, विस्तार मतलब चौड़ा, ठीक है, और हस्त पंचादशायतम 15 हाथ लंबा होना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, 15 हाथ लंबा, 4 हाथ, 4 अंगुल चौड़ा। गुरु के मार्ग पे चलकर, खुद से नहीं, किसी योग्य योग्य योग चिकित्सक के मार्ग पे ही, गुरु के उपदेश के मार्ग पे ही इसको सीखना है। और इसको सिक्तम, सिक्तम मतलब होता है भिगाकर, जो धोती है उसको आप गीला कीजिए और धीरे धीरे, सनई ग्रसित मतलब ग्रसन करना है, निगलना है, धीरे धीरे निगलना है, पुनः प्रत्याहारित और फिर उसको क्या करना है, बाहर की तरफ निकाल देना, इसी को क्या कहते हैं धोती कर। फिर से बताऊं, 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा, वस्त्र लेना है गुरु के दिए गए उपदेश, उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पे चलकर वस्त्र को गीला कर कर धीरे धीरे वस्त्र को निगलना है और फिर उसको बाहर रेचन कर देना है। दिस इज द धोती। ओके जी सर। अब इसका लाभ बता दिया, लाभ क्या होगा, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसका लाभ तो कास श्वास प्लीह कुष्टम कफ रोगात च विंसति धौतिक कर्म प्रभावेन प्रयांत एव न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि धौतिक कर्म के अभ्यास से खांसी, श्वास रोग, दमा जो अस्थमा है, प्लीहा मतलब स्प्लीन जो कहते हैं, स्प्लीन रोग, ठीक है, तिल्ली, कुष्ठ रोग, और 20 प्रकार के, विंसति मतलब 20 प्रकार के जो कफ रोग हैं उनका नाश होता है। कफ से 20 प्रकार, पित्त से 40 और वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, आप आयुर्वेद में भी पढ़ो। और ये क्या होता है, धौती कर्म के प्रभाव से क्या होता है, ये समाप्त तो हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ये आप लाभ याद कर लीजिएगा। अब आता है गजकर्णी। देखो इसको मूल श्लोक में तो नहीं लिया है, अलग से ऐड करके दिया है गजकर्णी को। गजकर्णी को आप यूं समझिए, व्याघी बाघी क्रिया। आपने बिल्ली को देखा है कभी, वो खाना खाती है और फिर उनको लगता है तो बाहर वो फेंक देती है, उसको लगता है कि इनडाइजेशन हुआ है तो वो बाहर निकाल देता है। जानवर हमसे ज्यादा समझदार है, खाना अनपच हो गया वो बाहर कर देते हैं, इनडाइजेशन वाले भोजन को बाहर कर देता है अपने, लेकिन अपन लोग अंदर ही उसको सराते रहते हैं पेट में, नहीं ले जाते। और उससे क्या होता है, कई प्रकार के व्याधि होते हैं, पेट से रिलेटेड कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, उदरगत पदार्थ मुद उद्मम मंती, कह रहा है कि जो उदर में जो पदार्थ है, जो खाना है, उसको बाहर निकालने के बाद कह रहा है ऊपर उठाना है। पवनम पवनम पान मुद, यहाँ जो पवन है कौन सा पवन, अपान वायु, अपान वायु कहाँ है, हमारे पेट में है, समान वायु है ना पेट में, सर नाभि से नीचे तो उसको अपान वायु को ऊपर उठाना है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, कंठ नाल तक लेके मतलब ऊपर उठाया। यहाँ पे वही कह रहा है कि पेट में जो पदार्थ है उसको बाहर, पवन अपन अपान वायु है, ऊपर उठाया, कंठ नाल तक लेके जाना है। नेक्स्ट और क्या है इसमें, क्रम परिचय वस्य नाड़ी चक्रा गज करनीति निगते हठ के, कि इस हठ योग के अभ्यास से, ठीक है,
क्रम से, मतलब अपने ये कब होगा आप समझो पहले इसको, आपको इजी लैंग्वेज समझाता हूँ कि जब तक आप नाड़ी को अपने वश में नहीं करोगे, वही कह रहा कि आपको नाड़ी को वश में करना है और फिर अपने अपान वायु को ऊपर उठाना है कंठ नाल तक और पेट में जो उदर में जो पदार्थ है उसको बाहर निकालना है। दिस द गज करनी, इसी को हम कहते हैं बागी क्रिया, मतलब पेट में जो है वो। और कुंजल थोड़ा सा इससे अलग है, वो खाली पेट में करते हैं, है ना, पानी बाहर आता है उसमें, यहाँ पे पदार्थ जो भी भोजन आपने लिया है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे स्पष्ट है, उदरस्थ पदार्थ मतलब अन्न जल आदि जो भी है उसको हम वमन करते हैं, बाहर निकालते हैं, और इसी को क्या कहा गया है, गज करनी कहा गया है ना, अपान वायु को ऊपर उठा। याद रखिएगा कौन सी वायु है, पोषण अपान अपान वायु हो सकता है सर, अपान कौन से वायु, अपान वायु को अपान वायु समान दे देगा, अपान दे देगा, पांच प्रकार के प्राण है ना। अच्छा बताओ कौन कौन से हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान, उदान व्यान, पांच पंच प्राण कौन, समान व्यान उदान कौन से है बताइए, नाग वॉइस नहीं आई क्या बोला आपने, नाग कुर्मा कुरकर, हाँ जी त्रिकर देवदत्त धनंजय, नाग देवदत्त, नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय, पंच प्राण कौन से, प्राण अपान समान अपान समान व्यान उदान व्यान है ना, पंच प्राण सर। आपकी आवाज नहीं आ रही क्या, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही क्या, ठीक है तो ऐसे आप। और पांच होते हैं उपप्राण, नाग कुरुम की विकल देवदत्त और धनंजय। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं ओके गुड नाम, यहाँ पे सिर्फ घर आवाज नहीं आई सर, आपकी आवाज कट हो रही है बहुत, कॉल करो सर कोई, ओके ओके समझ, समझ गया, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आवाज नहीं जा रही थी, जा रही थी बस, नो सर आवाज नहीं, अभी जा रही है, हाँ जी जा रही है। तो देखो अब हम जो है गज करनी देखा, वस्ती कल हम वस्ती पढ़ेंगे, ठीक है। वस्ती में क्या है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, वैसे वस्ती में क्या है, गज करनी ऊपर से चला गया, समझा दे रहा हूँ, समझा ऊपर से चला गया 26 नंबर से, अच्छा ठीक है चलो ठीक है भूल जाओ। हाथी देखा है आपने, गज देखा है ना जी सर, वो क्या करता है, सूंड से पानी बाहर निकालता है जी सर, नहाता तो निकालता ना बाहर जी पानी जी सर, ये बात तो समझ में आ गया। इसमें क्या है, गज करनी में जस्ट लाइक अ बागी क्रिया एक होता है योग में व्याघ्र क्रिया, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी इनडाइजेशन जो फूड है हमारे पेट में, ठीक है,
उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पेट में अन्न है, जल है, तो हम पानी पीकर उसको हम बाहर निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने अपान वायु को ऊपर उठाते हैं, कंठनाल तक ऊपर उठाया, और हमारे जो उदर के जो पदार्थ हैं, उदर के पदार्थ हैं, उसको हम बाहर निकाल, यही है गज करनी का है यहाँ पे, और कुछ नहीं है गज करनी में, ठीक है सर। फिर ये धौती का एक प्रकार हो सकता है ना, क्योंकि मतलब वही वमन में जो करते उससे थोड़ा सा और कंट्रोल्ड होता है, ऐसे मैंने सुना था। और पहले हाँ, और ये नाड़ी चक्र को कंट्रोल करके वश में करके किया जाता है, ठीक है, नाड़ी चक्र को वश में करके अपान वायु को ऊपर उठाकर पेट के जो पदार्थ हैं, पेट में जो पदार्थ हैं अन्न जल, उसको हमने बाहर की तरफ वमन कर दिया। दिस इज द गज करनी, ठीक है। कुंजल में पानी और गज करनी में डिफरेंस है क्या? हाँ जी, अंतर है, उसमें पानी होता है, खाली पेट करते हैं और वमन क्रिया करते हैं ना, यहाँ पे अंतर है। इसमें क्या होता है, भोजन किया हुआ रहता है साधक, तब हम करते हैं, इसमें अन्न भी बाहर निकलता है। एक बार मैंने किया था जब कॉलेज में था, उस टाइम पे किया था मैंने, कंपटीशन था, तो हमने संडे का टाइम था, कॉलेज में था, और संडे के टाइम पे ना हमारे शांति यहाँ पे डीएसपीबी में क्या है ना, संडे के दिन बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है, और दिन पूरा उबला खाना रहता है, तो सात्विक भोजन, तो फिर कंपटीशन था, तो हमने मस्त जो है खा लिया भर पेट एकदम, एक दिन तो मिलता है इतने अच्छे पकवान, हमने ठांस के खाया, फिर पता चला कि यहाँ पे वो है कंपटीशन है, देना है, तो हमने बस गर्म पानी पिया और जो भी पकवान थे हमारे अंदर सारे बाहर निकाल दिया, फिर हमने कंपटीशन लिया, उसमें सेलेक्ट भी हो गया मैं, तो ऐसे से तो अन्न को बाहर निकालना है, ठीक है। इसके बाद वस्ती में क्या है, वस्ती आप घृण संहिता में दो हैं, जल वस्ती स्थल वस्ती, यहाँ पे हट प्रदीपिका में सिर्फ और सिर्फ जल वस्ती हमें पढ़ना है। जल वस्ती में क्या होता है, उत्कट आसन में बैठते हैं नाभि पर्यंत जल पे, और फिर अब कोई भी नाल को अपने मल गुदा द्वार में प्रविष्ट कराकर आकुंचन करते हैं गुदा द्वार का, और फिर मल गुदा द्वार से है वायु का मतलब ये जल का परछालन कर लेते हैं, बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वस्ती हम फिर से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, और मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता हूँ, दो तीन मिनट सर, है ना। हाँ जी सर, गजकरणी में हम मतलब हम पानी नहीं पीते, हमें वो उंगली डाल के उल्टी करना होता है, जैसे वमन में तो हम पानी पी के करते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं पीना होता? नहीं, इसमें भी देखो ऐसे स्पष्ट तो श्लोक में नहीं दिया गया है कि आपको विधि कैसे करना है, बस दिया गया है कि नाड़ी चक्र को वश में करके अपान वायु को ऊपर उठाकर बाहर निकाल देना, यही है विधि। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि आपको पानी पीना है और फिर करना है, जो श्लोक में है हमने वही आपको बताया है, ठीक है सर। जिसका जो अपने आप हो जाता है खाना खाने के कुछ देर बाद, कई लोग मैंने देखा अपने आप मतलब बाहर आ जाता है खाना, तो उसको कह सकते हैं क्या? वो तो अलग चीज है ना, वमन हो जाना वो अलग चीज है, वो इनडाइजेशन का इशू है, कंट्रोल रहता है, ठीक है, आपने ओवर ईटिंग कर लिया, अनकंट्रोल रहता है, वही कह रहा अनकंट्रोल, इसमें आपको कंट्रोल करके निकालना है, अपने नाड़ी चक्र को वश में कर आपके इच्छा अनुसार आपको बाहर निकालना है, कि जब चाहे आपने बाहर निकाल दिया, ये होता है, ठीक है, वो अनकंट्रोल्ड है, वो तो अलग है, ओवर ईटिंग कर लिया या फिर इस तरह कोई इशू है, खाना नहीं जा रहा है अंदर, पच नहीं रहा, फिर अपन वमन कर देते हैं, वो हो जाता है, वो अनकंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल्ड है, ठीक है, ओके ठीक है, पढ़ के आना, ठीक है, मैं कल प्रश्न पूछूंगा, आते ही पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, ज्यादा तो हमने पढ़ाया नहीं, ओके, आपकी लेक्चर भी है 9 बजे, तो शांति पाठ कर लेते हैं।
नहीं हाँ जी नौवती की क्लास नहीं है। नहीं है, बट मुझे थोड़ा जाना है। जी सर हमने भी भोजन नहीं किया है। ठीक है, कल ले लेंगे, पूछ लेंगे। शांति पाठ करा दीजिए।